कश्मीरी पंडितों के पलायन पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स का जादू लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। फिल्म के रिलीज हुए 11 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी लोगों की भीड़ सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स में उमड़ रही है। हद तो तब हो गई जब चौपारण थाना अंतर्गत देहर गांव के 70 वरिष्ठ लोग बस रिजर्व कर हजारीबाग के लक्ष्मी सिनेमा हॉल में द कश्मीर फाइल्स देखने पहुंचे और फिल्म देखने के बाद उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर को बधाई दी। ये लोग ग्राम देहर चौपारण कहाँ से आए हैं आप लोग? और हम लोग चौपान थाना देहर गांव से आए हुए हैं। कितने लोग आए थे? हम लोग लगभग तो 70 आदमी हैं। कैसा लगा आपको कश्मीरी फाइल्स? ये फिल्म देखने के बाद तो जो भारत का नागरिक है, सही नागरिक है, वो तो भावुक अवश्य होगा। और सर्वप्रथम मैं इस फिल्म का जो डायरेक्टर है विवेक अग्निहोत्री, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ओर से, जो सच्चाई को इस पर्दे पर ला के रख दिए। और जो भी वहाँ पर घटना घटा है कश्मीर के अंदर 30 साल 32 साल पहले, ये तो बहुत दर्दनाक घटना है। इस समाज के अंदर, इस देश के अंदर तो ऐसा घटना नहीं घटना चाहिए, लेकिन जब इसमें सरकार ही इन्वॉल्व था उस समय, सरकार के द्वारा ही नरसंहार किया गया है और कश्मीरी पंडितों के पर इतना बड़ा जुर्म ढाया गया। उस समय वहाँ पर फारूक अब्दुल्ला थे, राजीव गांधी थे, वहाँ के गवर्नर जो थे जगमोहन ने पत्र भी लिखा राजीव गांधी को, लेकिन राजीव गांधी ने उनके पत्र पर किसी तरह का ध्यान नहीं दिया, नज़रअंदाज कर दिए। उनका मंसूबा था कि वहाँ पर कश्मीरी पंडित जो हैं उनका नरसंहार हो। अरे उस समय का सरकार के द्वारा षड्यंत्र किया हुआ रिजल्ट है। आप ये फिल्म देखने के बाद बॉलीवुड को, फिल्म जगत को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम उनको तो यही संदेश देना चाहते हैं कि आने वाले दिन में भी और कहीं हिंदुस्तान के अंदर ऐसा घटना अगर घटा हो